हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्या और आप देख रहे हैं M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं नोबल गैसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस हैं जो आप नहीं देखें या फिर आपको नहीं पता, जैसे कि यस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक एंड पीरियोडिक ट्रेंड या फिर पीरियोडिक टेबल लर्न करने के मेथड। आप ये सारे वीडियोज़ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जैसा कि नोबल गैसेस के बारे में। तो नोबल गैसेस से रिलेटेड हर टॉपिक शुरू से लेके अंत तक, जैसा कि आज हम आपको बताएंगे नोबल गैसेस का अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड सम कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, आप कंसंट्रेशन बना के रखिए। नोबल गैसेस में क्या क्या रखा गया? नोबल गैसेस जैसा कि आप देखते हैं, आप जानते हैं नोबल गैसेस कहाँ रखी हैं? पी ब्लॉक में रखी हैं। ओके, पी ब्लॉक में रखी गई हैं। फिर उसके बाद जो है, आप जैसा कि जानते हैं, नोबल गैस को क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं। तो ये सब बातें बाद में आप देखिए किस क्या क्या है नोबल गैसेस के बारे में। क्या है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है एंड क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और क्या है? रेडॉन है। ये सब क्या है? आपकी नोबल गैसेस हैं। कहाँ रखी गई हैं? पी ब्लॉक में रखी गई हैं। और नोबल गैसेस क्या होती हैं? फुलफिल होती हैं। मेरी एक एक बात जो है वो आप पॉइंट करिएगा, उसे आप नोट करिएगा, जो मैं बताती जा रही हूँ वो आप नोट करते जाइए। और हाँ, बहरहाल अभी अभी यहाँ पे तो है जो हम आपको सब समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको नोट्स तो उतनी अच्छी मिल नहीं पाएगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी गई है, आप वहाँ से जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो है आप, और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ये कहाँ रखा गया है? पी ब्लॉक में है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा भाई? फुलफिल होगा। क्या होगा? पी ब्लॉक में लास्ट में जाएगा। और फिर है ये नोबल गैसेस, ये है लास्ट में। तो ये आप हमेशा से पढ़े हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं? फुलफिल होती हैं। तो ये है NH2 एंड NP6, इतना होता है नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी क्या होता है कि इतना तो आप जानते हैं, बट एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट हीलियम। एक्सेप्ट हीलियम का कितना होता है? 1s2। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। और नियॉन का कितना है? 10 है। और ऑर्गन का कितना है? 18 है। क्रिप्टॉन का 36 एंड जेनॉन का 56 एंड रेडॉन का क्या है? 86 है। ठीक, तो अभी हम आप अभी क्या है, हम देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हीलियम का भी आपने देखा क्या है? 1s2। और नियॉन का 1s2, 2s2, 2p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, वो तो आप खुद कर लेते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको करके दिखा रहे हैं। 1s2, 2s2, 18 है, 2p6, 3s2, 3p6। ओके, और फिर उसके बाद आ जाइए क्रिप्टॉन पे। 1s2, 2s2, 2p6, तो ये जो है इतना हीलियम को छोड़ के, बाकी देखिए NH2 NP6 सब में है लास्ट में। यहाँ से देखिए आप ये इतना पूरा। फिर उसके बाद ये तो रहा आपका जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अब आपको समझ में, अब अच्छा एक बात और देखिए, अब ये क्या है? फुलफिल है। तो इसकी बैलेंसी भी आप जो है, अब फुलफिल है तो भाई ये ना किसी को जो है इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा। अब इलेक्ट्रॉन ना दे रहा है ना ले रहा है, तो बैलेंसी क्या होगी? बैलेंसी इसकी क्या होगी? बैलेंसी जो है वो ऑलवेज जीरो होगी।
आप ये बात लिख लीजिए, बैलेंस ही क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, फिर उसके बाद एक बात और जानिए, इन्हें हम क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं, और हम इन्हें क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ये सारी बातें आप नोट करते चलिए, बहरहाल जो है नोट्स की लिंक हमने दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए हो जाए। इन्हें इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। अब ये सारी बातें आप सुनते जाइए, अच्छे से दिमाग में बैठाते जाइए। अच्छा, इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है केमिकली इनर्ट होते हैं, और जो है ये मतलब नेचर में जो है बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इन्हें इन्हें हम क्या कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं। ये सारी बातें आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद और हम बताते जा रहे हैं क्यों कैसे इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है केमिकली इनर्ट होते हैं, और रेयर गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है नेचर में बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, और इन्हें हम नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। नोबल गैसेस के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये सारी जो है नोबल मेटल्स के जैसे फ्री स्टेट में मिलते हैं। अभी जो है आप एक हेडिंग डालिए, क्या, केसेस ऑफ इनर्टनेस, और अभी जो हम बोलते जा रहे हैं वो आप अच्छे से सुनते जाइए, या हो सके तो लिखते भी जाइए, नहीं तो नोट्स दी ही रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, NH2NP6, क्या, NH2NP6। बहुत आराम से समझा रहे हैं, बहुत कोई जल्दबाजी नहीं, आप अच्छे से समझते जाइए। देखिए क्या है, NH2NP6, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हीलियम। तो जो है अब हीलियम, हीलियम में NH2 है भाई, वो भी फुल फिल है, और फिर उसके बाद यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तीन ऑर्बिटल, छह इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं। तो अभी क्या है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, तो बैलेंस ही क्या होगी, जीरो होगी। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, केमिकली इनर्ट कहते हैं। और दूसरी बात और अगर ये फुलफिल हैं तो ऑब्वियसली क्या है, पेयर हैं, और अगर पेयर हैं तो ये जो है शेयरिंग नहीं करेंगे। एक एक बात ध्यान से सुनते जाइए, अगर ये पेयर हैं, पेयर का मतलब यही होता है, और जो पेयर नहीं होता है शेयरिंग वही करते हैं, और अगर ये पेयर हैं तो ये शेयरिंग नहीं करेंगे, और अगर शेयरिंग नहीं करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए क्या है, अनेबल है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, नहीं बन सकता है। ये सारी बातें आप चाहे नोट कर लीजिए या फिर अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। पहली बात आप फिर से सुनिए, देखिए पहली बात तो अगर ये फुलफिल हैं ऑब्वियस सी बात है कि ये पेयर होंगे, और पेयर हैं तो शेयरिंग कभी नहीं करेंगे, शेयरिंग नहीं करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाने में क्या है, ये जो है असमर्थ हैं। अच्छा, अब नोबल गैसेस से रिलेटेड एक बात और समझ लीजिए। आपने सुना होगा नोबल गैसेस क्या होती हैं, कोई कंपाउंड नहीं बनाती हैं। क्या होता है, नोबल गैसेस कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा ये बात ये सॉरी अच्छा ये कंपाउंड बनाती क्यों नहीं है, देखिए क्या होता है, अभी मैंने आपसे बताया कि इनकी बैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। ये मतलब फुलफिल है, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन तभी होता है जब, आप ये बात ध्यान दीजिएगा, ये सारी गैसेस बैलेंसी को डिफाइन करने में अनेबल हैं, क्योंकि ये फुलफिल हैं, और फुलफिल हैं तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करता है। अभी बैलेंसी को तो शो नहीं करती हैं, दैट्स वाई नोबल गैसेस कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती हैं। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि देखिए नोबल गैसेस जो है बैलेंसी को डिफाइन नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो है फुलफिल हैं, और किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन तब होता है जब वो बैलेंसी शो करता है। तो ये जो है बैलेंसी को तो शो नहीं करती, अभी बैलेंसी को शो नहीं कर रही हैं, तो नोबल गैसेस जो हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने में जो है क्या है, असमर्थ हैं। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, अगर आपको ये सब बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो डोंट वरी,
हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसमें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ही आएगा। और हाँ, अब ये सारी क्लासेस किसी कंपाउंड से कोई मतलब तो है नहीं, तो इनकी जो है मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है, अब देखिए किसी भी कंपाउंड से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो सबसे लो होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है आपने पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है किसी भी गैस, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी मतलब और ऐड होती है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब भाई ये जो है किसी से कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, किसी से ऐड नहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर जो मतलब एनर्जी निर्मुक्त होती है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, सबसे लो होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये जो आपकी नोबल गैसेस हैं, जीरो ग्रुप हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, सबसे लो होती है। और हाँ, ट्रेंड में अब जैसे आप ट्रेंड चल ही रहा है तो हम आपको बता दें आपकी ये जो सारी नोबल गैसेस हैं, अब जैसे मतलब ट्रेंड की बात चल रही थी, आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में समझ रहे, तो एक बात और आपको बता दें कि रेडियस जो होती है वो सबसे कम होती है। रेडियस कम होती है क्योंकि क्या होता है, रेडियस इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जाते हैं तो वो जो है अट्रैक्ट करते जाते हैं, तो रेडियस क्या होती है, छोटी होती जाती है। अब रेडियस छोटी होती जाए तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा इसका, वो भी जो है भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसी हिसाब से बढ़ेगा। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटी रेडियस किसकी होती है, नोबल गैसेस की होती है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन इजली रिमूव ना करने का मतलब क्या होता है कि इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रही है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डिफिनेशन बता दें आपको, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी रिमूव होती है उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो अभी आप क्या देखें कि रेडियस जो होती है वो क्या होती है, रेडियस क्या होती है, कम होती है, रेडियस कम होती है। अभी इसकी रेडियस कम है तो फिर क्या होगा, एक एक पॉइंट आप एक एक छोटी छोटी बात आप ध्यान से सुनिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटी रेडियस किसकी होती है, आपकी जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी रेडियस कम होती है। तो ये क्या होती हैं, अब भाई रेडियस कम है, सपोज ये है और ये है, अब इसकी रेडियस क्या है, कम है, और सपोज ये है, इसकी रेडियस ये है। तो अब ये यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा मतलब जो इलेक्ट्रॉन, इसकी रेडियस कितनी है, कम है, और इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो जिसकी रेडियस कम है उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की रेडियस सबसे कम होती है। तो ये जो सपोज ये नोबल गैस है आपकी, तो नोबल गैस की जो रेडियस है वो कम है, तो अब इसको जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यही है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव तो नहीं करेगा, कंपेरिजन टू ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जल्दी से रिमूव कर देगा, ये जल्दी रिमूव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो है नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन को देर मतलब जल्दी रिमूव नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है नोबल गैसेस कंपाउंड कंपाउंड बनाने में असमर्थ हैं, और ये जो है केमिकली इनर्ट हैं। ओके, और अच्छा एक बात आपको बताने के लिए भूल गए, भूल गए ये इनका अकरेंस, जैसे आपकी ये सारी गैसेस तो हीलियम टू क्रिप्टॉन, ये सारी कहाँ मिल जाती हैं आपको, एटमॉस्फेयर में। ये सारी गैसेस आपको कहाँ देखने को मिल जाती हैं, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, एटमॉस्फेयर में देखने को मिल गई आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका भी क्या बच रहा है, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, आपका ज़ेनॉन और रेडॉन ये आपको एटमॉस्फेयर में देखने को नहीं मिलेगा, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ध्यान से देखिएगा और सारी बातें अपने माइंड में सेट करते चलिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो भाई नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। ये दोनों हैं रेडियो एक्टिव, ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं, तो ये अपना डीके होते रहेंगे और वैसे बनते रहेंगे। और पहली बात तो ये सब वैसे भी रेयर हैं, ये आपको बहुत मतलब रेयर गैस आप इनको कह ही रहे हैं कि क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में देखने को कम मिलती है। और हाँ, पूरी नोबल गैसेस में सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो देखने को मिलेंगी वो क्या है,
आर्गन है, ये आर्गन आपको सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, ये आप नोट कर लें, अप्रॉक्सीमेटली 1%। ओके, और हाँ ये जो आपका हीलियम है ये नेचुरल गैस में देखने को मिलेगा, नेचुरल गैस जैसे कि CNG एंड LPG, ये दोनों जो हैं ज्वलनशील गैसेस हैं। और ये जो CNG है, CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो ये CNG जो है ये कम ज्वलनशील है, LPG ज़्यादा ज्वलनशील है। LPG ज़्यादा ज्वलनशील है तो इसलिए क्या करते हैं, किसको मतलब घरों में जो है मतलब खाना पानी बनाने के यूज़ में लाते हैं, और CNG है कम ज्वलनशील है तो इसको जो है मतलब लेबोरेटरी वगैरह में आप देखते होंगे CNG को, ये थोड़ा कम ज्वलनशील होती है। इसका मेन कंपोनेंट क्या है CNG का मेन कंपोनेंट है मीथेन, एंड LPG का जो मेन कंपोनेंट है वो है मेजर कंपोनेंट वो है प्रोपेन। और ये भी ध्यान दीजिएगा LPG ज़्यादा ज्वलनशील है, एग्जांपल आपको दिए इसीलिए आप इसे घरों में यूज़ करते हैं। तो अभी हम चलते हैं कहाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं, जैसे कि अभी हम आपको बताया एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है, ये सब जो है एटॉमिक नंबर के साथ क्या होता है, एटॉमिक नंबर के साथ ये सब इंक्रीज होते जाता है। ओके, आप फिर से देख लीजिए क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या, सॉरी, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी है ये सब। और जो है नोबल गैसेस क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं, ये सब बातें आप नोट कर लीजिए, क्या होती हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ये सब नोबल गैसेस की कंडीशन है। और ये जो है क्या होती हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं, और ये आयनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता जाता है, ये तो हम आपको बताए थे। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई जो है डिक्रीज होती है, और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। और क्या है, ये गैसेस क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक होती हैं, ये सब मोनो एटॉमिक गैसेस, ये सब मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं। और मोनो एटॉमिक गैसेस होने का रीज़न क्या होता है कि इनके बीच कोई इंटरेक्शन ही नहीं है मतलब। और हाँ, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि अब जो है इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो है नहीं, ये जो है मतलब अभी हम आपको बताएं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स तो होता नहीं है। और जो है मोनो एटॉमिक है, सब फुल फिल है, मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर दिया नहीं कि ये सब बॉयल होती हैं। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसका होता है, हीलियम का होता है। वैसे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब जो है लो होता है, लेकिन सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसका होता है, वो हीलियम का होता है। हीलियम जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, 42 केल्विन होता है, 42 केल्विन। और 42 केल्विन मतलब एक केल्विन मतलब कितना होता है, 200 -270 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोचिए 42 केल्विन, ये जाएगा -273 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस। हीलियम का कितना होता है, हीलियम जो है 273 माइनस माइनस 27 इसका बॉइलिंग पॉइंट। और हीलियम का जैसे मतलब हीलियम का यूज़ भी बहुत है, जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने में, मतलब हीलियम को मतलब ठंडा करने के यूज़ में लाया जाता है, जैसा कि आप लेबोरेटरी में देखते हैं कभी कभी ठंडा करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को, और भी चीज़ें हैं ठंडा करने के यूज़ में हीलियम को लाया जाता है, हीलियम क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। और अभी चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि
जैसे कि ये सब बातें तो आप जानते ही हैं कि ये जो है फुलफिल हैं और ये जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता है, और अगर करता भी है तो बहुत कम करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, डोनेट नहीं करता है। अब भाई फुलफिल है तो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, कहाँ से डोनेट करता है, और केमिकली इनर्ट होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जैसे कि कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी बातें छोड़िए, और क्या होता है कि अभी हम कुछ आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे कि तो अब हम मूव ऑन करते हैं कहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, आप सब जानते ही हैं, पहले भी बात कर चुके हैं। क्या होता है, ये फुलफिल होता है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, और अगर हाँ रिएक्शन करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, फुलफिल होते हैं, पेयरिंग होते हैं, ये सारी बातें ओवरऑल आपको सब कुछ पता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में। कुछ कंपाउंड जैसे आपका हो गया ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, अभी आप ध्यान दीजिए क्या है ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड। ओके, तो ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड कैसे बनता है, ये मतलब ज़ेनॉन और फ्लोरिन के मिक्सचर को 1.3 के रेशियो में लेकर एक एक बात में नोटिस करते चलिए, क्या है ज़ेनॉन और क्या है आपका दूसरा फ्लोरिन, फ्लोरिन इन दोनों के मिक्सचर को 1.3 के रेशियो में लेकर, नोट कर लीजिए कहीं, 1:3 के रेशियो में लेकर, यहाँ पे क्या करिए समझ लीजिए, फिर उसके बाद नोट्स जो होती है वो आपके हमेशा के लिए होती है, आप कभी नहीं भूलेंगे, वरना अभी समझे अभी भूल गए थोड़ी देर बाद। तो देखिए क्या है, ज़ेनॉन और फ्लोरीन का मिक्सचर जो है ये कितने, 1:3 के रेशियो में है, और क्या होता है कि निकिल की, फिर उसके बाद पहली बात तो आप रिएक्शन कराए, फिर उसके बाद निकिल की ट्यूब होती है कितनी, 400 डिग्री सेल्सियस पे, इतने पे जब आप मतलब हीट करेंगे फिर अचानक से ठंडा कर देंगे तब आपको क्या मिलता है, ज़ेनॉन डाई फ्लोराइड। क्या किए हैं आप, ज़ेनॉन और फ्लोरीन का मिक्सचर कितने में, 1:3 के रेशियो में लेकर निकिल की ट्यूब में 400 डिग्री सेल्सियस पे पहले आप हीट करेंगे, फिर इतने पे ठंडा कर देंगे अचानक से, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि ये क्या होता है, कलरलेस होता है, चाहे आप लिख लीजिए हम बता रहे हैं आपको, और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर नोट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं, ये कलरलेस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 140 डिग्री सेल्सियस। ओके, और क्या होता है ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, HF और ज़ेनॉन देता है, देखिए वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, सॉरी वाटर के साथ नहीं, H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या देगा ये, 2HF+ ज़ेनॉन। ओके, ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। और इसकी एक प्रॉपर्टी और देखते हैं क्या, अगर हम इसको नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जो है रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगा, नाइट्रोसिल फ्लोराइड देगा, आपका है क्या ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड है, और हम इसको क्या क्या कराते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या देगा ये, 2 नाइट्रोसिल फ्लोराइड, हाँ नाइट्रोसिल फ्लोराइड, एंड माइनर प्रोडक्ट आपका होगा ज़ेनॉन, क्या ये, तो ये तो रही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अभी आप देखिए ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन एंड रिएक्ट सॉरी स्ट्रक्चर, ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड का। तो अच्छा अभी देखिए आप ज़ेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन, वैसे हाइब्रिडाइजेशन भी हम आपको समझा चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन अगर जिसको जिसको नहीं आता है भाई, वैसे तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, M.M Education यूट्यूब चैनल, मैंने ये सारे वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं, आप देखे होंगे।
तो देखिए ज़ेनान है, ज़ेनान के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अब भाई है तो पी ब्लॉक का ही, 5s2, 5p6 फुल फिल होगा, ये तो आप शुरू में ही देखे थे। तो अभी क्या है, ये ग्राउंड स्टेट में, अभी आप ऐसे लिख लीजिए 5s2 5p6। वैसे तो आप यहीं से हाइब्रिडाइजेशन सीख जाएंगे, और अगर और आप वहाँ जाके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आपको और भी कई बातें जानने को मिलेंगी। तो अभी कहाँ है, ये ग्राउंड स्टेट में है। ओके, ये है ज़ेनॉन, अभी है ये ग्राउंड स्टेट में। यस में कितने ऑर्बिटल? एक। पी में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल। फुलफिल है? हाँ भाई फुलफिल है। ओके, फिर उसके बाद ये अभी तो ग्राउंड स्टेट में था, फिर उसके बाद अभी आया एक्साइटेड स्टेट में। और यहाँ पे क्या है, 5d, 5d में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। और अभी आप यहाँ बना लीजिए 5d, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पे जंप कर जाएगा, ये है 5d का। और अब ये है आपका ज़ेनान डाई फ्लोराइड, फ्लोरिन के कितने एटम? 2 एटम है, तो ये तो है भाई यस, यस फुलफिल है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका खाली, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गए 5d में, 1, 2, 3, 4, 5, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ गया। सॉरी, पहले हमको ये भरना था, ये है फुलफिल। और यहाँ वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया, तो यहाँ पे ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो अब है आपका फ्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कराना था, सिर्फ यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन जंप कराना, क्योंकि यहाँ पे है ज़ेनॉन डाईफ्लोराइड। सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी थोड़ी, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, आप ध्यान दीजिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका जंप नहीं करेगा, इसको भूल जाइए। ओके, और यहाँ पे ये आपका पेयर है, ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे जंप करके गया है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑर्बिटल फुलफिल है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये नहीं जंप किया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बचा यहाँ पे एक, ये यहाँ पे एक, ये दोनों क्या है, पेयर नहीं है। तो आपके पास यहाँ फ्लोरीन कितना है? 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे, ये तो रहा यस, अब ये दोनों तो पहले से पेयर थे, ठीक, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जंप करके नहीं गया है, तो ये पहले से यहाँ पेयर है, ये वाला जो है जंप करके इधर आया, तो यहाँ पे बचा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे जंप करके आया था, ये यहाँ है, तो ये यहाँ है। अब फ्लोरीन का 2 ZeF2 ज़ेनॉन डाईफ्लोराइड, तो ये जो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब ये दोनों यहाँ पे ओवरलैप कर गया, तो यस फुलफिल, पी फुलफिल, और डी में एक इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे क्या कहेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ आपके यहाँ पे? यहाँ से आप लेंगे और यहाँ से यस, पी का 3ों है, डी का 1 है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है। ओके, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिला? sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिला। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हम आपको बताया था, ट्राइगोनल पिरामिडल है। क्या स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल पिरामिडल है,
तो ये है आपका ज़ेनॉन, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिला था दो फ्लोरीन, ओके। फिर उसके बाद आपको तीन लोन पेयर देखने को मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं आप। अभी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे लोन पेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लोन पेयर देखने को मिला और यहाँ पे एक एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल है ये आपका। आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और जैसे कि अभी हम बात करें ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, क्या है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो अभी हम आपसे बात कर लें एक कंपाउंड के बारे में, और कौन सा कंपाउंड, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड में भी कुछ नहीं है, सेम मतलब सेम कंडीशन है उस, जैसे उसमें आप जो है निकिल की ट्यूब ले रहे थे वैसे इसमें भी है ज़ेनॉन और फ्लोरीन का मिक्सचर। कितने रेशियो में, रेशियो क्या है इसका, 1:5, क्या है ज़ेनॉन और फ्लोरीन का मिक्सचर किसमें, निकिल की ट्यूब में। 400 डिग्री सेल्सियस आपको क्या मिला, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। और इसका हाइब्रिडाइजेशन देख, जैसे आप देखना चाहते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, सेम वैसे सब कुछ वैसे है, ज़ेनॉन है ये आपका। और फिर उसके बाद जैसे उसमें देखे थे ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s2 5p6, ओके। तो 5s2 आपका यहाँ पे क्या है, फुलफिल है, ओके। फिर यहाँ पे है 5p6, यहाँ पे है 5d, 5d में 5 ऑर्बिटल। अब ये है यस, एकदम कंसंट्रेशन के साथ समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये है फुलफिल, ये भी है फुलफिल, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी तो ये ग्राउंड स्टेट में था, अभी तक ये ग्राउंड स्टेट में था, अब क्या हुआ, ये आया एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। और ये है आपका यस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल वैसे ही है। फिर उसके बाद इसमें से क्या होगा, जो पी ऑर्बिटल है आपका, ये डी ऑर्बिटल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले आप इसको भर लीजिए। और आपसे एक बात बताएं, आप जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कैसे करेंगे, हुंड रूल के अकॉर्डिंग। हुंड रूल क्या है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लें तब पेयरिंग शुरू करें। वैसे ये सारी बातें हमने दूसरे वीडियो में बता रखी है, बहुत अच्छे से बता रखी हैं, अगर आप नहीं देखे वहाँ जाके देखिए, आपको और भी बातें सीखने को मिलेंगी, और यहाँ तो हम बता ही रहे हैं। तो देखिए आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से यहाँ पे जंप कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ जंप कराया, यहाँ जंप कराया, तो अभी क्या हो रहा है, सेम ये कंडीशन देखने को मिली आपको, ठीक। फिर उसके बाद जब आप लाएंगे फ्लोरीन का 4 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन के, अब जब फ्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब देखिए ये हो जाएगा फ्लोरीन, इसको कर देगा पेयर, देखिए। अब ये जो है ये तो पहले से फुलफिल था, अब ये भी फुलफिल है, लेकिन ये जो है ये पेयर नहीं है। अब फ्लोरीन जो है इसको क्या कर देगा, पेयर कर देगा, ये सारे इसमें कर जाएंगे ओवरलैप फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप क्या देखें, यस फुलफिल है, पी फुलफिल है, डी का 2 ऑर्बिटल फुलफिल है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यस P3D2। तो ऐसे आपको क्या देखने को मिला,
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।